Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Accountancy Mock Test Part 37 and we are going to cover next 25 questions on accountancy. From question number 901 to question number 925, these questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom Entrance Exam, MCom Entrance Exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें. सो लेट्स बिगिन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे जो पहला क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 1,50,000 रुपीज. जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 1,50,000 रुपीज का है. क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज का है. ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपीज का है. अमाउंट ऑफ परचेजेस विल बी, हमें क्या पता लगाना है कि साल भर में हमने कितना परचेज किया और हमें क्या चीज दी गई है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 1,30,000 रुपीज, दूसरा ऑप्शन है 1,20,000 रुपीज, तीसरा ऑप्शन है 1,50,000 रुपीज और चौथा ऑप्शन है 1,25,000 रुपीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1,30,000 रुपीज. अब ये 1,30,000 रुपीज आया कहां से, चलिए देखते हैं. हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक हमने ऐड कर दिया, टोटल 1,90,000 रुपीज. अब इसमें हमने क्या किया, 1,90,000 रुपीज में हमने ओपनिंग स्टॉक डिडक्ट कर दिया 60,000 रुपीज का, तो हमें मिल गया 1,30,000 रुपीज. तो 1,30,000 इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस, ठीक है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज विल मैच्योर ऑन 15th अगस्त, अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज 15th अगस्त को मैच्योर होगा, बट इट इज अ पब्लिक हॉलीडे, लेकिन 15th अगस्त एक पब्लिक हॉलीडे है, देन द बिल विल मैच्योर ऑन, तब बिल किस डेट पे मैच्योर करेगा. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 15th अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 16th अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 14th अगस्त और चौथा ऑप्शन है 18th अगस्त. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14th अगस्त. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जिस डेट पे मैच्योर करता है और वो दिन अगर पब्लिक हॉलीडे होता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज उस पब्लिक हॉलीडे के एक दिन पहले जो वर्किंग डे होगा उस दिन मैच्योर हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 14th अगस्त. अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5. एक पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है. द फर्म सेपरेट टुक लाइफ पॉलिसी फॉर ऑफ रुपीज 50,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज एंड 1,50,000 रुपीज फॉर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली. फर्म ने तीनों पार्टनर्स के लिए लाइफ पॉलिसी ली, ए के लिए 50,000 की ली, बी के लिए 1,00,000 रुपीज की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और सी के लिए 1,50,000 रुपीज की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली. द शेयर ऑफ बी इन द पॉलिसी विल बी, अब ये जो पॉलिसी लिया गया है तो बी का शेयर क्या होगा. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 90,000, दूसरा ऑप्शन है 1,00,000 रुपीज, तीसरा ऑप्शन है 2,00,000 रुपीज और चौथा ऑप्शन है 80,000 रुपीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 90,000 रुपीज. अब ये 90,000 कहां से आया, चलिए देखते हैं. देखिए, फर्म ने तीनों पार्टनर्स के लिए पॉलिसी ली थी, पहले पार्टनर के लिए 50,000 रुपीज, दूसरे पार्टनर के लिए 1,00,000 रुपीज और तीसरे पार्टनर के लिए 1,50,000. तो फर्म ने टोटल कितना खर्चा किया था, 3,00,000 रुपीज. कितना खर्चा किया था, 3,00,000 रुपीज. अब 3,00,000 रुपीज को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तो बी का जो रेशियो था वो क्या था, 3/10 और टोटल कितना था, ये 3,00,000 रुपीज. तो 3 × 3/10 करेंगे तो आ जाएगा 90,000. तो बी को कितना देना पड़ेगा इसमें, 90,000 रुपीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 90,000 रुपीज, जहां बी पे करेगा 90,000. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एन असेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years. एक असेट है हमारे पास जिसका यूजफुल लाइफ 4 साल है, ठीक है. इफ इट इज डेप्रिशिएटेड बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अगर हम उसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला डिप्रिसिएशन चार्ज करें, इट्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years इज 24%. उसकी बुक वैल्यू 4 साल के बाद 24% है ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. हेंस द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाइड इज,
तो इसमें क्या रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाई किया गया है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 25% और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 30%. अभी 30% आया कहां से, चलिए देखते हैं. चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो एसेट था वो 100 रुपीज का था, ठीक है. 100 रुपीज में जब हमने 30% उसका डिडक्ट किया तो कितना आया बताइए, 70 रुपीज. बिल्कुल सही, जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया आप देख सकते हैं. 100 रुपीज हमने अज्यूम किया जिसमें 30% 100 रुपीज का 30% 30 रुपीज हुआ, डिडक्ट किया तो बचा कितना पहले साल के लास्ट में उसकी बुक वैल्यू 70% 70 रुपीज. अब 70 रुपीज का 30% हमने सेकेंड ईयर में चार्ज किया तो 70% का 30% इज 21 रुपीज. तो 70 - 21 विल गिव यू 49 रुपीज. तो दूसरे साल के लास्ट तक जो असेट है उसकी वैल्यू हो गई 49 रुपीज. अब तीसरे साल के लास्ट में 49 रुपीज का 30% हमने डिडक्ट किया जो आया 14.7%, जो फाइनल वैल्यू आई 34.3%. और चौथे साल में 34.3% का हमने 30% दैट इज 10.29% जब डिडक्ट किया तो चौथे साल के लास्ट में जो बुक वैल्यू आई, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे जो उसकी बुक वैल्यू आई चौथे साल के लास्ट में दैट इज 24.01%. आप चाहें तो आप इसे खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं. आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया हो. तो इस हिसाब से 30% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से सही जवाब है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज ड्यूअल्टन. जो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है, बताया गया है, ठीक है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दूसरा ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तीसरा ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और चौथा ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात की गई है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स. हमारे पास चार आइटम्स दिए गए हैं और हमें कंसिडर करने के लिए कहा गया है. चलिए देखते हैं चार आइटम्स कौन से हैं. पहला कहा है प्रीपेड सैलरी, ठीक है. दूसरा है अक्रूड इंटरेस्ट, तीसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और चौथा है बिल्स पेबल. चलिए चार आइटम हमें मिल गए. लास्ट में पूछ रहे हैं कि करंट लायबिलिटी वुड इंक्लूड, मतलब समझ रहे हैं आप कि चार आइटम दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि करंट लायबिलिटी में इन चारों में से कौन कौन सी चीजें जाएंगी. तो पहला ऑप्शन था हमारा प्रीपेड सैलरी जो करंट लायबिलिटी नहीं होता. दूसरा ऑप्शन अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी करंट लायबिलिटी नहीं होता. तीसरा ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करंट लायबिलिटी होता है. और बिल्स पेबल, ये भी करंट लायबिलिटी होता है. तो थर्ड एंड फोर्थ करंट लायबिलिटी है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे बोला गया है ऑप्शन 3 और 4, ठीक है. पॉइंट 3 और 4 जहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये करंट लायबिलिटी है. अगला क्वेश्चन है हमारा, भावना ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. भावना की जो ट्रायल बैलेंस है ना उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है. क्या दी गई है जरा देखते हैं कि भावना ने क्या किया था कि मेक प्रोविजन एट द एंड ऑफ द ईयर 18,000 रुपीज. भावना ने साल के अंत में फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में प्रोविजन बनाया 18,000 रुपीज का, ठीक है. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 4,000 रुपीज. तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स शुरुआत में कितना था, 4,000 रुपीज का था. साल भर में बैड डेट्स कितने के हो गए, 6,000 रुपीज के. अब सवाल पूछा गया है कि द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब भावना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितना अमाउंट डेबिट किया जाएगा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन है. पहला है 20,000, दूसरा ऑप्शन है 8,000, तीसरा ऑप्शन 14,000 और चौथा ऑप्शन नील. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 20,000. अब आप पूछेंगे अरे यार बताओ कैसे, ठीक है. अब आप समझिएगा यहां से, यहां मैंने सॉल्व करके रखा है, जरा देखिएगा ध्यान से. ओपनिंग में भावना ने जो बैड डेट्स का प्रोविजन बनाया था कितने का बनाया था, 4,000 रुपीज का. आप देख सकते हैं ये 4,000 रुपीज का, ठीक है, ये ओपनिंग था. साल भर में बैड डेट्स कितने हो गए, 6,000 रुपीज के. अरे बाबा बेड़ा गर्क हो गया, 6,000 रुपए का नुकसान हो गया. प्रोविजन बना था 4,000 का, लॉस हो गया 6,000 का, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें नेट लॉस कितने का हुआ उस भावना को, -2,000 रुपीज, क्योंकि 4,000 का तो ऑलरेडी प्रोविजन था ना भावना के पास, ठीक. और इन्होंने बोला है कि लास्ट में 18,000 रुपीज का अगेन भावना ने प्रोविजन बनाया, तो ये 18,000 भी डेबिट किया जाएगा और ये -2,000 भी डेबिट किया जाएगा. तो टोटल कितना डेबिट किया जा रहा है, टोटल 20,000 डेबिट किया जा रहा है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 20,000 रुपीज, ठीक है. आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा.
अगर नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने में पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रायल बैलेंस एट 31st मार्च कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक ट्रायल बैलेंस है जो 31st मार्च को कुछ इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज इन्होंने बोला कि 15% लोन रुपीज 40,000 रुपीज, 15% इंटरेस्ट पे लोन लिया है 40,000 रुपीज का, इंटरेस्ट पे कर दिया है 3,000 रुपीज, और आखिरी सवाल इन्होंने पूछा है कि इंटरेस्ट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज, जो इंटरेस्ट डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो कितना किया जाएगा। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन 1500, दूसरा ऑप्शन 4500, तीसरा ऑप्शन 6000 और चौथा ऑप्शन nil। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6000। अब कैसे जरा देखिएगा, लोन का इंटरेस्ट कितना था 15%, ठीक है, लोन कितना लिया गया 40,000, तो 40,000 का 15% होता है 6,000 रुपीज, ठीक। लेकिन इन्होंने एक और बात बोली है, इन्होंने ये बात बोली है कि इंटरेस्ट पे कर दिया है 3,000 रुपीज, ठीक। लेकिन सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे, सवाल ये पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट कितना करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कुल मिलाकर के डेबिट करेंगे 6,000 रुपए। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, आपको लगेगा कि 6,000 में 3,000 तो ऑलरेडी पे कर दिया है, तो 3,000 देना पड़ेगा, जो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त प्लीज मेरी बात सुनिए, लोन था 40,000 रुपीज का और इंटरेस्ट था 15% का, तो 15% कितना हुआ 6,000 रुपए, 6,000 में 3,000 पे कर दिया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे आप, तो टोटल 6,000 डेबिट करेंगे ना, 3,000 कर दिया बचा कुछ, 3,000 भी करेंगे, लेकिन आपको तो पूरा बताना पड़ेगा ना कि कितना डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट डेबिटेड, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 6,000 रुपीज, तो 6,000 पूरा पूरा डेबिट करेंगे एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30,000 रुपीज का है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है हमारा 30,000 रुपीज का, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है हमारा 10,000 रुपीज का, मिसेलेनियस इनकम कितना है 5,000 रुपीज का, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 35,000, दूसरा ऑप्शन 20,000, तीसरा ऑप्शन 15,000, चौथा ऑप्शन 10,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 15,000। अब आप सवाल पूछेंगे, अरे सर 15,000 कहां से आया, तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिए आप, अब मैंने यहाँ सॉल्व किया इसको, आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे मैंने लिखा है 15,000, ये 15,000 क्या है, ये 15,000 यही है, ये जो आंसर है ना हमारा 15,000, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से नहीं, हम पीछे से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। ये 30,000 आप ऑपरेटिंग देख रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000, ये 30,000 ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे हम, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने क्या किया इसमें माइनस कर दिया, तो 10,000 ये माइनस हो गया। फिर मिसलेनियस इनकम 5,000 भी हम इसमें माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर दिया मिसलेनियस इनकम 5,000 रुपीज। अब बचा कितना, 30,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 विल गिव यू 15,000, तो यही 15,000 तो इन्होंने पूछा है जो हम बता रहे हैं ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेहा एंड स्नेहा एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर फॉर इक्वल प्रॉफिट्स, ठीक है, नेहा और स्नेहा ने बिजनेस शुरू किया, जॉइंट वेंचर में बराबरी प्रॉफिट था। नेहा परचेजेस गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 70,000, नेहा ने गुड्स खरीदा 70,000 रुपए का, स्नेहा ने गुड्स बेचा 60,000 रुपए का 80,000 रुपीज में, ठीक है। बैलेंस गुड वर टेकन ओवर बाय नेहा एट द सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट एज इन केस ऑफ सेल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन ओवर विल बी। अब आपको यह पता लगाना है कि जो स्नेहा है जिसने सामान बेचा था, ठीक है, उसने कितने वैल्यू के गुड्स अपने पास ले लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी, आपको यह पता लगाना है कि 60,000 में अगर आप 60,000 को अगर आप 80,000 में बेच रहे हैं 60,000 रुपीज के सामान को, तो आप पर यूनिट कितने रुपए का सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 80,000 को डिवाइड करते हैं 60,000 से, तो हमारा आंसर आता है 1 रुपीज 33 पैसा। तो आपने 1 रुपए का सामान 1 रुपए 33 पैसा में बेचा, ठीक है। तो इस हिसाब से 10,000 रुपए का सामान आप 13,333 रुपए में बेचेंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ में आया।
ठीक है, नेहा ने गुड्स खरीदा 70,000 का, स्नेहा ने 60,000 के गुड्स 80,000 में बेच दिया और 10,000 रुपए का सामान रख लिया। लेकिन क्या जिस परसेंटेज पे उसने बेचा था उसी परसेंटेज पे उसने मतलब ले लिया, तो कितने रुपए के वो गुड्स हो गए? तो 10,000 रुपए का सामान जो लिया था उसकी वैल्यू हुई 13,333। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन वहां भी दूंगा, रिटन में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 70,000 रुपीज के गुड्स थे जिसमें 60,000 रुपीज के गुड्स 80,000 में बेचे, तो 1 रुपए का गुड्स 1 रुपए 33 पैसे में बेचा। अब उसी हिसाब से तो 70,000 में से 60,000 के गुड्स बेच दिए थे, बचा कितना? 10,000, जो नेहा अपने नेहा ही ले गई थी ना, हाँ नेहा, नेहा ने ले लिया, जिसकी ग्रॉस प्रॉफिट के साथ जो मार्केट प्राइस हो गई वो 13,333। मतलब 10,000 को जब 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आने वाला है हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गारंटी गिवन टू अ पार्टनर अतिका बाय अदर पार्टनर सुरेश एंड महेश मींस। सुरेश और महेश ने अतिका जो एक पार्टनर है उसको गारंटी दिया, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कह रहे हैं इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर लॉस होता है या प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो अतिका विल विदड्रॉ द मिनिमम गारंटीड अमाउंट। ठीक है, ये गारंटी दे दिया। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं इन केस ऑफ लॉस अतिका विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दैट लॉस, अगर लॉस होता है तो अतिका उस लॉस के प्रति कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी। तीसरा कह रहे इवन इन द केस ऑफ सफिशियंट प्रॉफिट अतिका विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटीड अमाउंट, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशियंट प्रॉफिट अतिका विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटीड अमाउंट। तो जो गारंटी दिया जाता है ना पार्टनर्स द्वारा किसी पार्टनर को, वो मिनिमम गारंटीड अमाउंट होता है कि अगर लॉस भी हो गया, ठीक है, या इनसफिशियंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं है, तो भी वो गारंटी दे देते हैं कि इस कंडीशन में भी आप मिनिमम इतना हमारे फर्म में से निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श इज ड्रॉइंग ₹4,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ। आदर्श जो ड्रॉइंग कर रहा है ना, वो 4,000 पर मंथ के हिसाब से एट द एंड ऑफ द मंथ वाला फॉर्मूला लगेगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, द टोटल इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम हिम इन द अकाउंटिंग ईयर विल बी। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2,400, दूसरा ऑप्शन 1,200, तीसरा ऑप्शन 2,200 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2,200 रुपीज। इसको जब आप फॉर्मूले में पुट अप करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं आदर्श ने 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हर महीने की लास्ट में ड्रॉइंग की। ठीक है, तो टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो टोटल कितनी ड्रॉइंग कर ली? 4,000 × 12, 48,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे वो आप फॉर्मूला जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। आपको मालूम है ना कि एट द एंड ऑफ द मंथ में कौन सा फॉर्मूला लगता है? ठीक है, इट इज 5.5 और 6.5, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2,200, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल टू, मतलब एनी अग्रीमेंट, एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट इन पार्टनरशिप बोल रहे हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टनर्स आर एंटाइटल टू, किस चीज के लिए पार्टनर्स एंटाइटल होंगे? वी हैव फोर ऑप्शन। पहला ऑप्शन शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, दूसरा ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा ऑप्शन सैलरी ऑन कैपिटल, और चौथा ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गेन टू फर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गेन टू फर्म, ऑप्शन डी। ठीक है, सैलरी ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो नहीं, लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस अगेन टू द फर्म, उन्होंने अगर लोन लिया है फर्म से तो भरना पड़ेगा, एडवांसेस लिया है तो फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, ये देना पड़ता है और इसका एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द अग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम। कहा गया कि जो देखिए पार्टनर्स बिजनेस में क्या देते हैं? कैपिटल देते हैं, तो बिजनेस क्या उनको वापस करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस करता है। यहाँ कहा गया है कि अगर अग्रीमेंट में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस करना है पार्टनर्स को, तो किस कंडीशन में दिया जाएगा और कहाँ से दिया जाएगा? मतलब
वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन गुडविल से हम देंगे इंटरेस्ट एंड कैपिटल टू पार्टनर्स. दूसरा ऑप्शन है करंट प्रॉफिट में से देंगे इंटरेस्ट एंड कैपिटल टू द पार्टनर्स. तीसरा ऑप्शन रिजर्व इन सरप्लस से दिया जाएगा या नन ऑफ द अबव से दिया जाएगा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. करंट प्रॉफिट जो होगा ना उसी से जो फर्म होगा वो क्या करेगा अपने पार्टनर्स को, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म होगा ना वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराएगा. करंट प्रॉफिट में से ही दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अगर अग्रीमेंट में कहा गया है तो. अगला क्वेश्चन है हमारा, अनु एंड रेशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2. दो पार्टनर्स हैं अनु और रेशु जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जिसमें अनु का कैपिटल 6000 रुपीज का है, रेशु का कैपिटल 3000 रुपीज का है, ठीक है. दे एडमिटेड सुधा फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. उन्होंने सुधा को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट. हाउ मच सुधा शुड ब्रिंग टुवर्ड्स हर कैपिटल. सुधा कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर के आएगी. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 2250, दूसरा ऑप्शन 3000 रुपीज, तीसरा ऑप्शन 3250 और चौथा ऑप्शन 2000 रुपीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2250 रुपीज, ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर टेबल ए ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, टेबल ए के हिसाब से कंपनीज एक्ट 1956 में अ कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ. कंपनी कॉल्स इन एडवांस में किस रेट पे इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 5.4%, दूसरा ऑप्शन 5%, तीसरा ऑप्शन 6% और चौथा ऑप्शन 6.5%. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6%. कंपनीज एक्ट 1956 के टेबल ए के हिसाब से जो भी कंपनीज इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस में जो इंटरेस्ट पे करती है वो 6% पे करती है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6%. अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर टेबल ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, फिर से मिलता जुलता सवाल कि कंपनीज एक्ट 1956 में जो टेबल ए कहा गया है उसके हिसाब से, ठीक है, कॉल्स इन अरियर पे कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी. कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर एट द रेट ऑफ, ठीक है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 6%, तीसरा ऑप्शन है 5.4% और चौथा ऑप्शन है 5.5%. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 5%, ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा, अ शेयर ऑफ 200 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एट द रुपीज 50 पर शेयर. द मैक्सिमम लॉस इट कैन बेयर इन द रेशियो ऑफ शेयर विल बी 150, 50, 20 और 70. मैं क्वेश्चन बताना चाहूंगा हिंदी में. क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म है जो शेयर इशू कर रही है 200 रुपीज का, जो 10% डिस्काउंट पे इशू कर रही है. तो 200 रुपीज का 10% डिस्काउंट होता है 20 रुपीज, मतलब 200 रुपीज का शेयर कितने में बेच रही है, 180 रुपीज में. अब इन्होंने कहा कि वो इस 180 रुपीज के शेयर में जो फाइनल कॉल था 50 रुपीज का, वो जब पेमेंट नहीं हुआ तो कंपनी ने क्या किया, जो शेयर थे उसको फोरफीट कर लिया. तो 180 के शेयर में 50 रुपीज का पेमेंट नहीं मिला तो कितना मिला, 130 मिला, ठीक है. अब इन्होंने बोला कि फर्म मैक्सिमम कितना लॉस बेयर कर सकती है इसको रीइशू करने में. तो फर्म मैक्सिमम लॉस 70 रुपीज का बेयर कर सकती है इसको रीइशू करने में, इससे ज्यादा वो लॉस बेयर नहीं करेगी, ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ ऑन अ शेयर ऑफ रुपीज 50 ओनली 45 हैज बीन कॉल्ड एंड द कंपनी हैज रिसीव्ड रुपीज 30 टिल डेट. 50 रुपए का शेयर था, कंपनी ने कॉल किया 45 रुपीज, लेकिन रिसीव हुआ 30, मतलब 15 रुपए अरियर चल रहा है. द कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ. अब कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, ठीक है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 45, चौथा ऑप्शन 20 रुपीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 45 रुपीज, ठीक है. कितना कॉल किया गया था, 45. अब अरियर के बारे में तो नहीं पूछ रहे कि कितना अरियर है या कितना पेमेंट हो गया, हम कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, 45 रुपीज से, जितना मांगा गया है, ठीक है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, देयर आर 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच फुल्ली कॉल्ड अप. 60,000 प्रेफरेंस शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से जो पूरे मांगे गए, बट देयर आर कॉल इन अरियर ऑफ 8,000 रुपीज 2 पर शेयर. कंपनी कैन रिडीम एट प्रेजेंट. तो कंपनी कितने शेयर्स को रिडीम कर सकती है, मतलब क्वेश्चन वापस समझिएगा. 60,000 शेयर्स थे 10 रुपए के हिसाब से, तो 6 लाख रुपए के शेयर्स थे, ठीक है, इन टोटल.
और ये फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर थे, पूरा पैसा मांग लिया गया था, 10 रुपए पूरा मांगा गया था कंपनी द्वारा। बट देर आर कॉल इन अरियर ऑफ 8,000 रुपीज, 2 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए का कॉल इन अरियर था। तो टोटल कितने शेयर्स पे था? 8,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 4,000 शेयर्स हो गए। ठीक है, तो 4,000 ऐसे शेयर्स थे जिनमें फाइनल कॉल 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं किया था। तो अब कंपनी एट प्रेजेंट कितने शेयर्स को रिडीम कर सकती है? रिडीम मतलब बायबैक कर सकती है, वापस मार्केट से ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा खरीद सकती है। तो इट इज 56,000 शेयर्स, क्योंकि 4,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए रिसीव नहीं हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग। एक कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती एक निर्धारित पीरियड के ऊपर, एक निर्धारित समय के ऊपर, और वो टाइम पीरियड कितना है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 10 ईयर, दूसरा ऑप्शन 20 ईयर, तीसरा ऑप्शन 15 ईयर्स, और चौथा ऑप्शन 25 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 ईयर्स। कंपनी कभी भी 20 साल के ऊपर का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेफरेंस शेयर अमाउंटिंग टू ₹75,000 आर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ कह रहे हैं कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर 75,000 रुपए की रिडीम कर रही है 5% प्रीमियम पे। ठीक है, तो 75,000 का 5% प्रीमियम आप निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, और इसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि इशू कर रही है 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए प्रीमियम पे। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने सॉल्व किया, मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, और एक बार मैच कर लीजिएगा, दिक्कत होगी प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने शेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो। ठीक है, आई जस्ट होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 75,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, और उसके लिए कंपनी क्या इशू कर रही है 40,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी, पहला ऑप्शन 35,000, दूसरा ऑप्शन 36,750, तीसरा ऑप्शन 28,500, चौथा ऑप्शन 15,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 35,000 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्लवी एंड कंपनी लिमिटेड हैज इशूड 15,000 डिवेंचर्स ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपए के 1 जनवरी को 15% डिवेंचर्स इशू किए गए थे पल्लवी एंड कंपनी द्वारा। इंटरेस्ट इफ पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर एवरी ईयर, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, ठीक है, हाँ हाफ ईयरली हुआ 31 मार्च, और मार्च के बाद 6 महीने होते हैं, सितंबर मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, राइट। तो हर साल 6 महीने पे इंटरेस्ट जब पे करना है, इशू कर रहे 1 जनवरी पे, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2011 विल बी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 तक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया? ये 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 7,500, दूसरा ऑप्शन है 30,000 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 15,000 रुपीज, और चौथा ऑप्शन है 22,500 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 15,000 रुपीज। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4 लाख रुपए का 15% होता है, कितना होता है 15%? 4 लाख रुपए का 15% होता है 60,000 रुपीज। ठीक, अब 60,000 रुपीज के हिसाब से सितंबर तो हो गया ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज जनरली रिटन ऑफ इन। जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो इशू करने के टाइम अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम कितने समय में उसे रिटर्न ऑफ करेंगे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 10 ईयर्स में राइट ऑफ कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन 8 साल में राइट ऑफ कर लेंगे, तीसरा ऑप्शन ओवर द पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ओवर द पीरियड ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, डेप्रिसिएशन कब प्रोवाइड कराते हैं, मतलब किस चीज पे प्रोवाइड कराते हैं? 4 ऑप्शन फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा ऑप्शन टोटल एसेट्स, तीसरा ऑप्शन करंट एसेट्स, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फिक्स्ड एसेट्स। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो, बहुत न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे, बहुत बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन आई बिलीव कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर वैसे भी देता हूँ और फ्यूचर में भी देता रहूंगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गुड लक।